ओके सो गाइस यार कैसे हो सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे एंड गाइस बढ़िया रहना। तो आज के इस वीडियो में कुछ इस टाइप का रील्स वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूँ। इस वाले वीडियो को आप जरूर इंस्टाग्राम रील्स पे देखे होंगे। यह वीडियो द अक्षय भाई का है, तो कुछ इस टाइप का इन्होंने एक वीडियो बनाया है जिसपे गाइस यार अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया है। तो इस टाइप का वीडियो आपको कैसे बनाना है, कैसे आपको नॉर्मल से वीडियो में इस टाइप का स्काई वीडियो लगाना है, सब कुछ सिखाने वाला हूँ। बस यहाँ पे आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। और हाँ यहाँ पे आपको बता दूँ कि इस वीडियो में जो स्काई वीडियो लगाया गया था ना, उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन उसमें मैं पासवर्ड लगाया हूँ। ठीक है, सो बहुत लोग करते क्या है, वीडियो को डाउनलोड करके चले जाते हैं, वीडियो पूरा देखते नहीं। तो उस पर मैंने पासवर्ड लगा दिया हूँ, तो वीडियो के बीच में या लास्ट में कभी भी पासवर्ड हम बता दूंगा। ठीक है, तो उस पासवर्ड की मदद से आप मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हो। तो बस यहाँ पे आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। देन यहाँ पे ना हम VN ऐप का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास नहीं तो इसको प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो VN ऐप को। देन मेरे पास है तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं। नीचे यहाँ पे शो करेगा प्लस का ऑप्शन। ठीक है, इस पर आपको टिक करके न्यू प्रोजेक्ट पे टिक करना होगा। अब यहाँ पे ना एक आपको नॉर्मल सा वीडियो को लेना होगा जिस वीडियो में गाइस यार एडिटिंग नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ओके तो देख सकते हो मेरा नॉर्मल सा वीडियो है। इस वीडियो में ना स्काई में मतलब कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं है, तो कुछ इस प्रकार से आपको एक वीडियो शूट कर लेना होगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से एक्टिंग करके भी वीडियो को शूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लास्ट में आके जो ब्लैक लेयर है आप डिलीट कर देना कुछ इस प्रकार से। ठीक है, डिलीट वाला ऑप्शन पे टिक करके अब आपको स्टार्टिंग में आना होगा। सबसे पहले जो स्काई में ना लगाया गया था ना वीडियो, उस वीडियो को हम लगाएंगे। तो उसको लेने के लिए यहाँ पे शो करेगा टैब टू ऐड स्टिकर, टिक करेंगे। देन ये पे शो करेगा वीडियो एंड फोटो का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहां से स्काई वाले वीडियो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको ढूंढने में काफी मेहनत लगा है, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है। तो इसको कुछ इस प्रकार से पकड़ के आपको यहां पे बड़ा करना होगा। बड़ा करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको यहां पे इस पोजीशन में लगा देना होगा स्काई में। ठीक है, इतना करने के बाद गाइस सर अब यहां पे ना आपको करना क्या होगा, यहां पे हम सही ढंग से एडजस्ट कर लेते हैं। इधर स्लाइड करेंगे, यहीं पे शो करेगा मार्क्स का ऑप्शन, टिक करेंगे। लाइनर पे आपको दो बार टैप करना होगा। ये जो बिंदु है गाइस सर यहां तक रखेंगे, देन एरो को हल्का से नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, देन साइड पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद गाइस सर आपको यहां पे आ जाना होगा कुछ इस पोजीशन में। ठीक है, आपका जो वीडियो इस पे आपको टिक करना होगा। नीचे शो करेगा स्प्लिट का ऑप्शन, टिक कर देना होगा। तो स्टॉप पार्ट को कुछ इस प्रकार से आप डिलीट कर देना। ठीक है, तो गाइस सर इतना ही हम लेंथ रखेंगे वीडियो का। अगर आप चाहो तो गाइस सर इस वाले लेयर को ना आप डुप्लीकेट करके आगे बढ़ा के ज्यादा लेयर आप रख सकते हो अपने वीडियो का। सो गाइस सर अब यहां पे आपको करना क्या होगा, ये जो लेयर है ना गाइस सर मॉडल और वीडियो, इस पे आपको टिक करना होगा, डुप्लीकेट पे टिक कर देना। इधर स्लाइड करना, यहीं पे शो करेगा फॉरवर्ड का ऑप्शन, क्लिक करेंगे। तो इस लेयर पे क्लिक करके इसको कुछ इस प्रकार से पकड़ के गाइस सर एकदम सामने आपको ला देना होगा। ठीक है, सामने लाने के बाद गाइस सर अब यहां पे हम फुल स्क्रीन करेंगे, यहीं पे शो करेगा फीट का ऑप्शन, टिक करके फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो अब यहां पर आपको क्रोमा की निकालना पड़ेगा, तो इसी लेयर पे आपको क्लिक करना होगा। इधर स्लाइड करना, शो करेगा क्रोमा का ऑप्शन इफेक्ट्स के बगल में, इस पे आपको क्लिक करना होगा। इसी यहां पे थोड़ा बहुत ग्लिच आ रहा है, तो ग्लिच आएगा ना तो गाइस सर यहां पे आपको एक बार बैक कर लेना होगा वीडियो को। ठीक है, डायरेक्ट कुछ इस प्रकार से हम बैक करते हैं, फिर से इसी वाले लेयर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा, मेरे मोबाइल में थोड़ा बहुत ग्लिच आ रहा है। तो गाइस सर अब यहां पे करेंगे क्या कि जो ऊपर वाला लेयर, इस पे टिक करना होगा, फिर से क्रोमा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, स्पीड को 0 रखेंगे। तो गाइस सर देख सकते हो यहां पे मेरा साइड से क्रोमा की निकल चुका है। तो आपको यहाँ पे साइड से क्रोमा की वगैरह निकाल लेना होगा। अगर नहीं निकल रहा है तो आपको ध्यान देना होगा, वीडियो आपको उस जगह पे शूट करना होगा जहाँ पे गई सर स्काई ज़्यादा दिखे। ठीक है, तो इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से बढ़ाना होगा। सो देख सकते हो यहाँ पे मेरा साइड से एडजस्ट हो चुका है वीडियो के बैकग्राउंड में, ये वाला वीडियो चला गया है। देन साइड पर टिक करेंगे। सो अगर आपको वीडियो को यहाँ से प्ले करके दिखाऊं ना, तो गई सर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो लगेगा स्काई में, ये वाला वीडियो लगाने के बाद। ठीक है, सो आपको लास्ट में आके यहाँ पे ब्लैक लेयर रहेगा, आप डिलीट कर देना। तो इस वीडियो को एक बार हम गैलरी में एक्सपोर्ट करेंगे, ऊपर शो करके यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन टिक करेंगे, सही वाला ऑप्शन पे टिक कर देना होगा। तो गई सर इस वाले वीडियो को एक बार हम गैलरी में एक्सपोर्ट होने देते हैं। तो वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद बैक कर लेना होगा, प्लस के आइकन पे टिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे टिक करेंगे। तो अब यहाँ पर एक हम वीडियो को सिलेक्ट करेंगे जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इसमें पासवर्ड नहीं लगा है, तो कुछ इस प्रकार से वीडियो रहेगा। देन आपको लास्ट में आके जो ब्लैक लेयर आप डिलीट कर देना। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, इधर स्लाइड करोगे, यहाँ पे शो करके स्टिक आडू, इस पर टिक करके म्यूजिक निकाल लेना। ठीक है, कुछ इस प्रकार से म्यूजिक निकल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्लिच आ रहा है गाइस सर, मेरा मोबाइल कम रेट वाला है। तो यहाँ से आपको वीडियो को प्ले करना होगा, प्ले करने के बाद देखना होगा इसमें जो वीडियो लगाया गया गाइस सर वो वाला वीडियो कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देन गाइस सर यहाँ से ना एक वीडियो ऐड किया गया, तो कुछ इस पोजीशन में आपको आ जाना होगा। तो यहाँ पर हम कट लगाएंगे, नीचे शो करके स्प्लिट का ऑप्शन टिक करके कट लगा लेना होगा। सो अब इस वीडियो पे आपको टिक करना होगा शो करके रिप्लेस का ऑप्शन, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे आपकी सारी वीडियो शो करेंगी, तो जिस वीडियो का भी आप एक्सपोर्ट। सो मेरा वीडियो आ चुका है, कुछ इस प्रकार से वीडियो यहाँ पे आपका लग जाएगा। ठीक है, एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे आ जाना होगा, जो प्लस का आइकन इस पर आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद गाइस सर यहाँ पे शो करके जूम वन, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करके एक बार क्लिक करना होगा। तो वैसे टाइमिंग को आप यहां से अपने हिसाब से रख सकते हो, देन साइड पर टिक करेंगे। सो वीडियो बनके रेडी यहां पे हो चुका है, कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो लगेगा अगर आप प्ले करके दिखाओ।
सो गाइस सर लास्ट बार वीडियो को प्ले करके दिखा दे रहा हूँ सर, कुछ इस प्रकार से लगेगा गाइस सर वीडियो बनने के बाद, तो कुछ इस प्रकार से आपको ट्रांजेक्शन को लगा लेना होगा सर। गाइस सर देख सकते हो, मात्र एक क्लिक में इस टाइप का वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। तो गाइस सर उस वीडियो में देखेंगे गाइस सर लव फ्लिप लाइट सा आता है, ठीक है, तो उस लाइट को भी आप लगा सकते हो, ब्लिंकिंग इफेक्ट जिसको कहते हैं, तो उस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, नहीं देखे हो तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं गाइस सर, यहाँ पे वीडियो बनकर रेडी हो चुका है, कुछ इस प्रकार से आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा।